हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया, सात दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने माँ को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित पांच। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दीना आज। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान, सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। Thank you.
नहीं कृष्णा नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। कल्पना से ही कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है। मैं जानता था पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे, अपने कुल का संहार टालने के लिए युद्ध को भी अवश्य टालेंगे। मेरा अनुमान सही निकला संजय, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ, कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी हैं, इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंकर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं, यह मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे? पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। मेरी लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं, क्या अपना मुंह सीख कर बैठ गए हैं ये? परंतु परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए, बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। आज द्यूत सभा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पांडव अपना जो कुछ हार गए हैं, राजपाट, धन दौलत, वो मैं सब उनको वापस करता हूं। महाराज, इस तरह ये द्यूत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा। जुए के खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, और हारने वाले को कुछ ना कुछ हारना ही होता है। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे।
एक शर्त ये भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। किसी ने जीवा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे। और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु हैं? जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। क्या तुम मेरे इन खुले हुए बालों को नहीं देख रहे जिसे पकड़कर दुष्ट दुशासन मुझे सभा में लाया था? अब ये बाल नहीं विषैले नाग है, नाग। इनकी फुंकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? ये चीख चीख कर दुशासन का नाम ले रहे हैं। अरे व्याकुल है ये नाग दुशासन की छाती का खून पीने के लिए। क्या तुम इनकी प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य बुझाऊंगा पांचाली, अवश्य बुझाऊंगा। तुम्हारे ये बाल जो मुझे नाग बनकर हमेशा डसते रहते हैं, मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद दिलाते रहते हैं जो मैंने द्यूत सभा में ली थी। मामा श्री, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि द्यूत से पहले आपने जादू मंत्र से पासों को अपने वश में कर लिया था। अभी तो पासे आपके इशारों पर नाच रहे थे। तनिक धीरे बोलो अंगराज कर्ण, धीरे। सुना नहीं आपने, दीवारों के भी कान होते हैं। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र का किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब कोई अनर्थ नहीं होगा मामा श्री, ना। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब हम राजा हो गए हैं, राजा। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है, इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। आज पांचों पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो, हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत,
हर जगह तलाश करो, आकाश पाताल एक करो। पांडव नहीं मिल रहे, मामाश्री अब क्या होगा, क्या होगा? इधर दुर्योधन और उसके गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे। तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लव नाम का रसोईया बनकर भोजन तैयार करता था। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन एक साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंधरी बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना? देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बन कर रहे, मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा, यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है, इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं, बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में धर लिए जाते। जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है, अपनी बहन की राखी की सौगंध है। जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज्ज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं।
भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान, किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। सात्यकी, बैठो। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। संजय, क्या अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? नहीं महाराज। मैं जानता था अर्जुन समझदार है, वो कृष्ण के बहकावे में नहीं आ सकता। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। देखो इनकी ओर, ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते, परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो यह अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मारते, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश्ते होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्ण संकर के पाप के कारण
सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे चायते वर्ण संकर। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? जिन प्राणियों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया? हां महाराज। संजय, यही अवसर है, सुनहरा अवसर, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है और कृष्ण तो पहले से निशस्त्र है। ऐसे में यदि पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों की विजय निश्चित होगी, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडवों की सेना एक शस्त्रहीन सेना के समान है और एक शस्त्रहीन सेना को हराना कोई कठिन कार्य नहीं होता। क्षमा करें महाराज, यह आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? एक क्षत्रिय महाराज को ऐसे अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है महाराज। एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाता। फिर भी कौरव अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, इस शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले अपनी दैवीय शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र पर समय की गति को रोक दिया है। रणभूमि में कौरवों पांडवों के वीर महावीर और सेनाएं पत्थर की मूर्तियों की भांति अचल खड़ी हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रही है इसका किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि समय भी श्री कृष्ण के श्री मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में जैसे थम गया है। वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजयी बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ? 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं।
हे अर्जुन, याद रखो अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है, इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। चलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा।
प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगो युगो तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादि काल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है, और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो, अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। संजय, ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए, और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता
तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका माध्यम मैं क्यों बनूं? यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है, कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है? अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। वो जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। हे कौंते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं।
आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देही। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारण जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराने शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं, इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातन। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमित अशोष कहावे हो। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमित अशोष कह।
आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। कि जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो, अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। तो है महासागर
अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। ना जीने की खुशी मनाओ, ना किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचान, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाचना चाहता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसी रथ से मोक्ष को जाए, मन को वश में कर ले जो प्राणी वो इसी रथ से अनंत को जाए। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक
तो मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान है, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है, ये रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ, इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे, इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं, इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं।
ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खा कर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। लभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त भाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्म योग? हाँ, निष्काम कर्म योग। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्त के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, कर्मा गरम व्यंजन भरे हुए हैं जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है।
प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। वाह प्रभु वाह। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधाता की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। आह, कितना महान सत्य प्रभु ने सहज ही कह दिया। वो कैसे भगवान? देवी, समस्त भय चिंता कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्म योग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्म योग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्त की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखेगा। और फिर वह सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो तो भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत।
पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के तीन कारण होते हैं। पहला, आततायियों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि हो स्वयं को प्रकट करूं। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा, करता रहा स्नान जग सारा। जब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरण शोक न कर, मेरी भक्ति में खोजा, शोक न कर, मेरी भक्ति में खोजा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवी, प्रभु के अमृत वचनों को सुनकर आप भी निहाल हो गईं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो। इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणारूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे अर्जुन? अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? आपके दर्शन की। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप उस पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूं, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी ये आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूं जो इस विराट रूप के दर्शन कर सके।
श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संजय, जय श्री कृष्ण। मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? महाराज, कुछ मत पूछिए, इस समय क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप। हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे। केशव नमा माधव नमा, माधव नमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सुगुण वर्ण नातीत तुम्हारे। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। धन्य है यह विराटतम रूप, धन्य है यह विराटतम रूप। जिसमें ब्रह्मांड विराट समाया, तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। दुष्ट दुराचारी भीषण मुख माही प्रवेश करे, मुख में जलती वे ज्वालाएं ईंधन सम उनको शेष करे। गुरुजन परिजन आत्मीय स्वजन सब प्राण गवाते दिखते हैं। हे महाकाय हे महाबल सब तुम समाते दिखते हैं, हे महाकाय हे महाबल सब तुम समाते दिखते हैं। आदित्य बारह रुद्र ग्यारह अष्ट वसु के स्थान तुम, गंधर्व दिक्पति यक्ष नगपति सबका रखते ध्यान तुम। कर्मानुसार सुगति कुगति करते हो नाथ प्रदान तुम, कल्याण का वरदान तुम, निर्वाण भगवान तुम। अगम्य अपार सार के सार, अगम्य अपार सार के सार। आप ही जानो आपकी माया, विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। प्रभु हम मृत्यु लोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ श्री चरणों में स्थान हमें दो,
वरदान हमें दो। चाकर रखो दो सेवकाई, जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाभारत महासंग